हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है मेरी 3 बजे से। सो आज हम कहीं जाने का हमारा प्लान बना है। मेरे को जाना पड़ेगा। सो अभी हम जाएंगे ड्यू की कटिंग करवाने और साथ ही साथ जाएंगे हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करने, अगर मुझे करवाएंगे ड्यू तो। सो जैसा भी बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेरी वीडियो को इसी तरह से एंड तक देखते रहना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा स्माइल भी कर लिया करो। ये इतनी सारी पब्लिक कहाँ से आ रही है यार? अच्छा 4 बज गए यार, स्कूल के बच्चे हैं। मुझे लगा कि पता नहीं इतना सारा रश कहाँ से आ गया, ये स्कूल के बच्चे हैं। वाओ, बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि मैक्सिमम लोग मैंने यहाँ पे साइकिल चलाते हुए देखे हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी साइकिल पे आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है यार, घर वालों का खर्चा भी बच जाता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो बच्चे किस तरह से साइकिल पे घर जाते हैं। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सरकारी स्कूल है चंडीगढ़ में। मैं यहाँ चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय। तीनों लैंग्वेज में यहाँ लिखा है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। पंजाबी तो मुझे वैसे समझ में नहीं आती है, पर जिनको आती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे भी नीचे तीनों लैंग्वेज में लिखा है। और बहुत ही अच्छा बाहर का, मतलब साफ़ सफाई करी गई है बाहर, बहुत ही अच्छी। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो कि कितना अच्छा बाहर का व्यू है स्कूल के बाहर का। स्कूल से काफ़ी आगे आने के बाद यहाँ पर लाइटों के पास काफ़ी जाम लगा हुआ था, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। कम बैक। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम घर से निकल चुके हैं, सो अभी हम जा रहे हैं सतारा सेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीदी ने अपनी कटिंग भी करनी है और हमने जो हमारा थोड़ा बहुत और काम भी है हम वो भी करेंगे, अगर और अगर थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करवा देते तो बहुत ही अच्छा होता। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। क्यों दीदी ठीक नहीं है? सो खैर, वीडियो भी इसी तरह से बने रहना और देखना कि दीदी मुझे शॉपिंग करवाते हैं कि नहीं। सो मैं आपको दिखाऊंगी। माय फेवरेट थॉट टेंपरेरी नंबर अभी नहीं है। हाँ शायद। जहाँ से अभी हम जा रहे हैं वो चंडीगढ़ में पीजीआई की लोकेशन है, और पीजीआई के साथ बाहर यहाँ पर बस स्टॉप भी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। पार्किंग के लिए यहाँ पर भाग दौड़ दी होगी और दूर दूर तक हमारे को कोई भी पार्किंग नहीं मिली, तो हमने गाड़ी वापस मोड़कर अब हम चल पड़े हैं दूसरी जगह देखते हैं। चंडीगढ़ में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी दीव निकले हैं अपने काम के लिए और यहाँ पर पार्किंग करने की हमारे पास कोई जगह नहीं थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो हमने ना किसी और की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाई है, तो दीव ने मुझे बोला है कि आप गाड़ी में बैठे रहो और जब तक अगर कोई वो गाड़ी का मालिक आता है तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। तो मुझे, मैं अंदर नहीं जा सकती यार। सो चलो कोई ना, जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ की हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है वो है सतारा सेक्टर चंडीगढ़। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है गाड़ियों का और कहीं भी पार्किंग की कोई जगह नहीं है यार, तो हम भी ऐसे ही फंसे पड़े हैं इधर। अब मुझे उसी वजह से मुझे अपनी गाड़ी में ही बैठना पड़ा यार, वो भी अकेले। अब देख रही हूँ यहाँ अरे परे लोगों को आते जाते, वो मुझे देख रहे हैं कि बेचारी अंदर क्यों बैठी पड़ी है ये, और गाड़ी भी ऑन करके छोड़ के गए हैं। चलो मैं सबसे पहले तो ये गाड़ी ऑफ कर लेती हूँ यार, बेल्ट खोल लेती हूँ।
गाड़ी ऑफ कर देती हूँ। चलो अब ठीक है। सो मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे भी अंदर अकेले ऐसे बोर हो जाता ना कोई बोलने के लिए, पर चलो कोई ना, तब तक के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ इंस्टा पे, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और मेरी इंस्टा की जो आईडी है कनिका ठाकुर 0404 है, सो आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय। इंस्टा पर रील बनाते बनाते भी मैं थक चुकी हूँ, और अभी तक ड्यू का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें 3 जगह जाना था, एक यहाँ पर जो अभी हम अभी काम कर रहे हैं, और दूसरा ड्यू को कटिंग करवानी थी, और तीसरा हमें शॉपिंग पर जाना था। तो शॉपिंग का तो मुझे लगता है कि कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि शाम को फिर इन्हें ऑफिस भी जाना पड़ता है, और कटिंग का शायद ऑलमोस्ट हो ही सकता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं तो सबसे पहले ड्यू को बोलूँगी कि मुझको सबसे पहले तो कुछ खिला दो यार, क्योंकि मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो वेट करते करते मैं थक चुकी हूँ, पर चलो इस बहाने आप लोगों से तो बात हो ही रही है यार। पर चलो कोई ना, मैं देखती हूँ ये कब तक वापस आते हैं। सो वेट एंड वॉच। हे गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत ही बड़ी क्लोल होगी यार। ओह शिट, नो। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा ना हमेशा ही पोपट बन जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से हमने मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, और ध्यू ने बाल भी कट करने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यार अब मैं क्या बोलूँ, मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था ना, और फिर हम ना हमने ज़्यादा बात की गाड़ी में, बस ऐसे मूड उठकाते हुए हम दोनों आ गए थे, क्योंकि इनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। इन्होंने बोला कि यार काम हुआ, बट वो होते होते रह गया, सो इतना टाइम वेस्ट भी किया, तो आपको तो पता है कि मैंने गाड़ी में कितना वेट किया, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैं फटाफट से ध्यू ने गाड़ी स्टार्ट की और हम वापसी घर आ गए। फिर वैसे ही थोड़ा मन भी ऐसे हो गया था कि यार क्या है, इतना कुछ सोचा था मैंने तो माइंड में कि हम पहले जो मेन काम है ध्यू का हम वो कंप्लीट कर लेंगे, और फिर ध्यू कटिंग करने चले जाएंगे, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि मैं शॉपिंग करने चले जाऊँगी, फिर वो बाद में मुझे वहाँ से पिक करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई ना।